सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के 6th पार्ट के बारे में, बिकॉज भाई काफी सारे लोग मेरे से इसके अपडेट के बारे में पूछ रहे थे, तो मेरे को अभी तक जितनी भी अपडेट मिली है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो देन वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वन ऑफ द बेस्ट मूवी फ्रेंचाइज रही है, जिसने भाई जिसके हर पार्ट ने काफी अच्छा बिजनेस किया, प्लस उसी के साथ साथ ऑडियंस ने भी भाई इसके हर एक पार्ट को काफी ज्यादा पसंद किया था। इसका अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि भाई अभी तक इसकी जितनी भी मूवीज आई हैं उन सब ने मिलकर 4.5 बिलियन डॉलर का बिजनेस किया है। हालांकि भाई इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है और भी ज्यादा बढ़ सकता था, लेकिन भाई उस टाइम तक जब इसका 5th पार्ट रिलीज होने वाला था उस टाइम जॉनी डेप एंड उनकी जो वाइफ थी उनके बीच में कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई थी फॉर पर्सनल रीजन। आई थिंक जो लोग जॉनी डेप के फैंस होंगे उन लोग को इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में पता होगा। एंड उसके बाद फिर भाई इस मूवी पे भी उसका काफी ज्यादा तगड़ा इफेक्ट हुआ था एंड इसको भाई काफी सारे लोगों ने बायकॉट भी किया था। एंड दैट्स व्हाई इसका जो 5th पार्ट था उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 794 मिलियन डॉलर के आसपास निकल कर आया था, जो कि अपने नॉर्मल डेज पे भाई आराम से 1 बिलियन तो क्रॉस कर ही जाता। एंड इसके बाद फिर जो जॉनी डेप का करियर था वो भी भाई डाउनफॉल पे चला गया था, उनको ज्यादा मूवीज मिल भी नहीं रही थी एंड जो मूवीज मिली थी वो भी भाई उनसे छीन ली गई थी। एंड भाई बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी इस मूवी का जो 6th पार्ट आना था, जिसको भाई ऑलरेडी कंफर्म कर दिया गया था इसके 5th पार्ट के रिलीज होने से पहले ही, उसको भाई होल्ड पर डाल दिया गया था। एंड भाई जब सबको लगा कि कंट्रोवर्सी शांत हो जाएगी देन भाई इसके 6th पार्ट पे वर्क स्टार्ट होगा, लेकिन कंट्रोवर्सी भाई अपने लाइक एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही लंबा चल गई थी, प्लस भाई उसमें गिल्टी भी लाइक जॉनी डेप को साबित कर दिया गया था। दैट्स व्हाई फिर उनको इस मूवी के फ्रेंचाइजी से भी निकाल दिया गया एंड 6th पार्ट को फिर होल्ड पर ही डाल दिया गया था। बट भाई डिज्नी की तरफ से अपडेट निकल के आई थी कि वो लोग इस मूवी का जो 6th पार्ट है उसको बनाने वाले हैं एंड इसका जो कुछ कास्ट मेंबर है उसको भी वो लोग फाइनलाइज करेंगे। हालांकि कास्ट में कुछ चेंजेस आप लोग को देखने को मिलेंगे एंड जो मेन चेंज हो सकता है वो भाई जॉनी डेप का कैरेक्टर ही होगा, बिकॉज अभी तक जैसा मैंने आप लोग बताया कि भाई इस फ्रेंचाइजी से उनको निकाल दिया गया था। हालांकि अभी रिसेंट टाइम में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी निकल कर आई थी कि उनका रिटर्न हो सकता है, बिकॉज कॉन्ट्रोवर्सी हुए भाई काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, प्लस धीरे धीरे लोग भी सब कुछ भूल जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है काफी अच्छी बात होगी, बिकॉज भाई इस मूवी में जॉनी डेप का कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आई थिंक अगर उनको नहीं लेते हैं देन मूवी को भी काफी ज्यादा अच्छा खासा लॉस झेलने को मिल सकता है। बाकी आप लोग बताना कि जॉनी डेप का कैरेक्टर रिटर्न होना चाहिए या फिर नहीं, अपने थॉट जरूर शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सो बात करें भाई इस मूवी के शूटिंग प्लस लाइक रिलीज अपडेट के, तो करंटली भाई जितने अपडेट निकाल के आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अभी इसके पार्ट 6 की जो शूटिंग है वो स्टार्ट नहीं हुई है, सिर्फ अभी भाई इसके जो स्क्रिप्ट है उसी को फाइनलाइज करा गया है। इसकी जो शूटिंग आप लोग को 2022 में शायद देखने को मिले, प्लस भाई इस मूवी के 6th पार्ट को रिलीज होने में भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अपडेट अकॉर्डिंग जैसे आप लोग को इसके पिछले लाइक पार्ट में 6 साल का गैप देखने को मिला था, अब कुछ उसी तरीके से आप लोग को इसके 6th पार्ट में भी 6 साल का गैप देखने को मिल सकता है एंड ये जो मूवी आप लोग को 2023 तक देखने को मिल सकती है, इसके चांसेस काफी ज्यादा हैं। बट गुड न्यूज है भाई उन लोगों के लिए जो लोग इस मूवी के पार्ट 6 का वेट कर रहे थे, बिकॉज भाई अभी तक जितनी अपडेट आई उससे ये चीज तो कंफर्म होती है कि आप लोग को इसका पार्ट 6 देखने को मिलेगा। एंड फ्यूचर में भाई इसके ऊपर लाइक जो भी चेंजेस आएंगे मैं आप लोग को अपडेट करता रहूंगा। तब तक के लिए अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।